शादी करने का झांसा देकर सपा नेता पर युवती ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। सपा नेता ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। गजरौला कस्बे की रहने वाली एक युवती जो हिंदू समाज से संबंध रखती है, उसने गजरौला के रहने वाले समाजवादी पार्टी के युवा नेता जाफर मलिक, जो एक निजी अस्पताल के संचालक भी हैं, उसके ऊपर प्यार के झांसे में 2 से 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाने और धोखा देने का आरोप लगाया और इस पूरे मामले में वीडियो वायरल करके सुसाइड करने की धमकी दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो के आधार पर जब हमने समाजवादी पार्टी के युवा नेता जाफर मलिक से बात की तो जाफर मलिक ने अपना पक्ष रखते हुए इस पूरे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि यह साजिश मेरी छवि को खराब करने के लिए की गई है, जबकि इस पूरे मामले में वीडियो बनाकर वायरल करने वाली युवती का कहना है कि न्याय नहीं मिलने पर वो सुसाइड कर लेगी, इसीलिए उसे न्याय चाहिए। युवती के मुताबिक अगर इसने सुसाइड किया तो उसका जिम्मेदार सपा नेता जाफर मलिक और उसकी दूसरी प्रेमिका व उसके परिवार वाले लोग होंगे। मैं राधिका जाफर मलिक से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। 2 साल से वो मेरे साथ था और मैं उसके साथ रहती थी और मुझसे झूठ बोलता था कि कल शादी करूँगा, परसों करूँगा शादी, और रोज डेली झूठ बोलता था मुझसे, कोर्ट मैरिज करना है। और मैं कहती थी कोर्ट मैरिज करो तो वो बोलता था कि कोर्ट बंद है, ये बंद है। उसकी फैमिली वाले भी सब बोलते थे। मुझे पता चला कि लड़की दीपशिखा काफ़ी अजीब है, वो उसकी संपत्ति की वजह से उसके घर रहता है और मुझसे झूठ बोलता है कि मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ, ये है वो है, और मुझसे झूठ बोलता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मैंने सबसे कही है रिश्तेदारों से कि मेरी इससे शादी कराओ, कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है और मैं सुसाइड कर रही हूँ। उसके जिम्मेदार दीपशिखा, जाफर मलिक, उसके चाचा, उसके बाबा, उसकी मम्मी, उसकी बहन, बहनोई सभी होंगे, क्योंकि मुझे उसने बहुत परेशान करा है। और जो दीपशिखा है कड़की, उसके साथ रहता है वो, या मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। दीपशिखा के साथ रहता है वो, उसने मेरे प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं करी और ये बोलता था कि शादी करूँगा मैं तुझसे और तुझे चुनाव में खड़ा करूँगा, ये बोल के झूठे दिलासे दे देकर रोज डेली ऐसी बोलता था। उसने मुझसे कोई प्यार नहीं करा, उसने मेरे साथ में ढोंग रचाया, उसने मेरे साथ संबंध बनाए, बस मेरे साथ सोता था, मेरे साथ खाता था और मुझसे झूठ बोलता है कि कल कोर्ट मैरिज करूँगा, परसों कोर्ट मैरिज करूँगा। उसने गढ़ की दीपशिखा के साथ कोर्ट मैरिज कर रखा है और उसी के पास रहता है वो। मेरी सुसाइड के जिम्मेदार उसके घर के होंगे, उसकी फैमिली के होंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाफर मलिक है। ये मेरे पे कई दिन से जो है फ़ोन कर रही, उल्टी सीधी धमकी दे रही थी कि मैं जो है, मुझे जो है पैसे चाहिए 5 लाख रुपए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, वो किस चीज़ लिए, मैं मेरे से क्यों पैसे मांग रही थी। कह रही तुमने वो केस पहले, इसने जब केस लिया ख़त्म करा तो उस टाइम पैसे दिए थे मैंने। अच्छा, ये वीडियो कब का है? वीडियो पुराना है। ये मुझे धमकी देती है कि मैं वायरल कर दूँगी, ये कर दूँगी। इसमें इन्होंने जो मेरे पर मुकदमा दर्ज करवाया था 376 का सेक्टर दर्ज हुआ था मेरे पे 17 मार्च को, उसके बाद जो है ये खुद जाके अगले दिन ADG साहब के यहाँ जाके प्रशासन के खिलाफ कह के आई थी कि मुझे जो है पुलिस ने बंधक बना के रखा, मुझे मुकदमा जबरदस्ती दर्ज करवाया था मेरे से, ये है वो है। फिर इसने जो है कोर्ट में दिया था, ये एफिडेविट दिया था इसने, और फिर ये जो है कोर्ट में जो है वो दे के आई थी, यानी कि मैं एफिडेविट दिया था। फिर उसके बाद मेरी जमानत हुई थी, जमानत हो गई थी मेरी हाई कोर्ट से, और उसके बाद ये जो है ये खुद फैसला नामा दे के आई खुद वहाँ। और ये वीडियो है इसमें मेरे मोबाइल में, मैं आपको दे दूँगा। उसमें ये खुद कह रही है कि मेरा कोई संबंध नहीं, जाफर मलिक बहुत अच्छे इंसान है, कहो तो आपको सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगा। तो मेरे पे ये मेरी जो है छवि को ख़राब करने का की साजिश है सारी। हाँ, मेरी छवि ख़राब करना चाह रहे हैं, पहले भी बताई छवि ख़राब कर दी थी उल्टे सीधे आरोप लगा के, लेकिन क्या है ये 376 का मुकदमा है, लेकिन क्या नाम जो है अब जब खुद लगा रही, खुद कह रही है
तो अब आप खुद देख लो, उसके सारे कागज देख लो, कोर्ट में दिखवा लो, कहीं भी दिखवा लो। ये मामला जो इसमें आपका फैसला होगा। हाँ फैसला हो गया, ये रहा ये रहा, कोर्ट में, कोर्ट में भी लगा हुआ फैसला, कोर्ट में खुद जज साहब के सामने दे के आइए। झूठे आरोप है मेरे ऊपर लगाए गए।